दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हम खड़े हैं भागलपुर के अंबो चौक पर, जहां आज सुबह 5 बजे एक बस और ट्रक की भयंकर टक्कर में 9 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन लोहे की रॉड के नीचे अभी भी उनकी रोटियां, उनकी ब्रेड, मास्क और चप्पल कपड़े तक पड़े हुए हैं। बगल में लोग रुक रुक कर देख रहे हैं। आई विटनेसेस बताते हैं कि सुबह 5 बजे जब सारा गाँव सो रहा था, तो दरभंगा से आ रही एक बस ने भागलपुर से जा रहे ट्रक को टक्कर मारी और बचने के चक्कर में ट्रक उधर नीचे खाई में गिर गया और लोहे की रोड के चलते सारे मजदूर उनके नीचे दब गए। आई विटनेसेस से बात करके देखते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। आप उस वक्त मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई? हाँ, 5 बजे सुबह के 5 बजे आप यहीं पर मौजूद थे? हाँ, आ रहे थे जरा फिर के। हुआ फिर वह घटना हुआ था। बस आदमी आया पुलिस थानों से। हुआ क्या था? बस किस तरफ से आ रही थी? बस इधर से आ रहा था। तब बस ने इसको मारा, बस इधर पलटी खा गया। बस ने ट्रक को टक्कर मार दी? वो बस स्पीड में था, वो ये में मारा, बस घोलट गया। उस वक्त और भी लोग मौजूद थे? आप अकेले थे? ढेरी लोग था, लेकिन हम उधर जरा फिर के आ रहे थे। अच्छा। फिर पुलिस को किसने बताया? कौन कब आया, कितनी देर में आया? सरपंच आया था यहाँ, वही फोन किया थाना, तब आया पुलिस। पुलिस तब आई? अच्छा, तब तक लोग घायल हो चुके थे? हाँ, हो गया था तुरंत। कोटा बचा नहीं था। सरपंच को गांव वाले ने, समाज ने उसको फोन किया, समाज ने उसके आदमी कर लगे सरपंच के, सरपंच कर लगे थाना, तब वो आया। इसको बस को बचाने में, ये अपने साइड में था, बस को बचाने में बेचारा इसका हत्या हो गया। ट्रक वाला भी मर गया है? तेरे के बला मरा है सब तो। अब बस वाले को जरा लहू खतरा हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ट्रक में लोग थे उनको? अच्छा। वही मरा है। अच्छा। तो आप नीचे फिर आपने मदद की, क्या क्या हुआ? वो लोहा था तो कैसे लोहा होता? कैसा लोहा में था? उस लोहे में था सब, थी लाशें सब, तर झपाया हुआ था लाश। वो तो डोजर आया मुखिया जी का, उसने घिच घिच के निकला है। लाश जो है ना, मतलब अंदर जो, मतलब लोहे के अंदर जो दबा हुआ था ना, तो जेसीबी जो है वो जैसे लोहा को हटा के वो सबको लाश निकला है। मई का महीना यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए एक दर्दनाक सपने जैसा है। इस महीने में 70 से अधिक प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक सड़क हादसों में मौत हो गई। गांव में इंतजार कर रहे उनके परिवारों को उनकी साइकिलें नहीं बल्कि उनकी मौत का अंतिम समाचार मिला। इस दर्दनाक हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई, उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल नवगाछिया लाया गया। उन 9 लोगों में से 6 की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें बेतिया और मोतिहारी जिलों में भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन और अस्पताल मिलकर उनकी डेड बॉडीज को उनके घर वालों तक पहुँचाने का काम कर रही है। बाकी 3 लोगों की पहचान होनी अभी बाकी है। इस पूरे हादसे में 5 लोग और भी घायल हुए हैं, जिनका शुरुआती उपचार इसी अस्पताल में करके भागलपुर रेफर कर दिया गया है। नौगछिया की एसपी निधि रानी ने दी प्रिंट को बताया कि ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर मौके से ही फरार हो गए थे। पुलिस उनकी खोज कर रही है, हालांकि ट्रक के मालिक को ढूंढ लिया गया है। बाकी के 3 मजदूरों को लेकर वो कहती हैं कि उनकी डिटेल्स को पुलिस थानों में भेज दिया गया है। मैं ज्योति यादव बिस्मिल टस्कीन के साथ, बिहार, दी प्रिंट।